तो हे व्हाट्स अप गाइस, दिस सैंडी हेयर एंड यू आर वाचिंग टेक एसबी। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं कि क्या हम अपनी जियो फोन की सिम को जो है अपनी स्मार्ट वॉच में जो है यूज कर सकते हैं या फिर नहीं। तो गाइस मैं आज बात नहीं करने वाला हूँ कि जियो सिम के बारे में, मैं बात करने वाला हूँ जियो फोन सिम के बारे में। तो सबसे पहले मेरी जो सिम है अभी एयरटेल की फ्लाइट मोड पर है, तो अभी मैं इसको जो है नॉर्मल मोड पर जो है कर देता हूँ। तो गाइज यहाँ से अभी हम सिंपली जो है बैक ले लेते हैं। तो यहाँ पर गाइज अभी आप देख सकते हैं ये नेटवर्क सर्चिंग बोल रहा है। तो गाइज यहाँ पर अभी आप लोग देख सकते हैं, थोड़ी देर बाद जो है मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। तो गाइज यहाँ पर अभी भी जो है आप देख सकते हो यहाँ पर सर्चिंग ही दिखा रहा है। तो यहाँ पर मैं आपको किसी को जो है कॉल लगा के जो है दिखा देता हूँ। तो गाइज यहाँ पर अभी आप देख सकते हैं इमरजेंसी नंबर पर जो कॉल लगा रहा हूँ। तो गाइज यहाँ पर अभी आप देख सकते हैं कॉल जा रही है, मगर यहाँ पर जो है नेटवर्क ही अवेलेबल नहीं है। तो गाइज अभी हम सिंपली बैक ले लेते हैं और यहाँ पर जो है मैं अभी आपको जो है दिखा देता हूँ। तो गाइज जैसे कि अभी आप लोग देख सकते हो कि मैं जो है अपनी स्मार्ट वॉच को जो है पावर ऑफ जो है कर देता हूँ। तो यहाँ पर मैंने पावर बटन को जो है दबाए रखा है और यहाँ पर अभी आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पर हमारा जो है अभी पावर ऑफ हो रहा है स्मार्ट वॉच। तो गाइज यहाँ पर अभी आप लोग देख सकते हो कि किस तरीके से पावर ऑफ हो रहा है। तो यहाँ पर सबसे पहले जो है अभी हम इसके बैक साइड का जो है कपर को जो है निकाल लेते हैं। कपर बोलो टप्पर बोलो क्या फ़र्क पड़ता है। तो गाइज इससे अभी जो है ये बैटरी भी जो है मैं निकाल लेता हूँ। काफ़ी सारे जो है जो गाइज यहाँ पर अभी आप लोग देख सकते हैं कागज़ मैंने यहाँ पर जो लगा रखे, वो क्या है ना बैटरी लूज़ हो रही थी इसकी वजह से। तो गाइज यहाँ पर अभी आप लोग देख सकते हो कि मेरे पास जो सिम था वो एयरटेल का सिम था और यहाँ पर जो है नेटवर्क ही नहीं आ रहा था। तो गाइज यहाँ पर सिंपली से जो है आप देख सकते हैं एयरटेल 4G का सिम जो है मेरी स्मार्ट वॉच में अभी था। तो गाइज अभी यहाँ पर जो है मेरे पास आपको देख सकते हैं ये है जो जियो का फ़ोन। तो गाइज यहाँ पर अभी आप लोग देख सकते हैं मेरे पास ये जियो का फ़ोन है और इसमें जो है जियो सिम अभी भी चालू है। तो यहाँ पर अभी मैं आपको जो इसका डेटा ऑन करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर अभी आप लोग देख सकते हैं गाइस यहाँ पर जियो सिम जो है अभी हमारे इस मोबाइल में जो है वर्क कर रही है, मतलब जियो सिम एकदम जो है चालू है। तो गाइस मैं इसको भी जो है पावर ऑफ कर देता हूँ सबसे पहले। तो यहाँ पर अभी पावर ऑफ करने के लिए मैंने बटन दबाए रखा और यहाँ पर ये हो गया पावर ऑफ। तो गाइस सबसे पहले जो है यहाँ पर अभी आप लोग देख सकते हो कि ये पावर ऑफ हो रहा है। तो ये पावर ऑफ हो जाने के बाद अभी हमको क्या करना है, इसके बैक साइड के जो है टप्पर बोलो कपर बोलो कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, आपको उसको जो है ओपन कर लेना है। तो गाइस उसको ओपन अप करने के बाद अभी आप लोग देख सकते हो कि इसके अंदर जो है सबसे पहले ये बैटरी लगा हुआ मिलता है। तो बैटरी को जो है निकाल देते हैं और यहाँ पर ये आप देख सकते हो यहाँ पर ये जियो सिम है, ये वही सिम है जो गाइस जो फ़ोन में थी। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं इसको भी निकाल लेता हूँ। तो यहाँ पर ये निकल गई गाइस और उसके बाद जो है आपको मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ ये जियो की सिम। तो गाइस यहाँ पर जैसे कि आप सभी लोग देख सकते हो ये एकदम ओरिजिनल जियो की सिम है, कोई भी लोचा वगैरह कुछ भी नहीं किया हुआ है। तो यहाँ पर अभी मैं जो है इसको अपने जो है स्मार्ट वॉच में डालने वाला हूँ। तो गाइस तो यहाँ पर अभी आप लोग देख सकते हैं हमारे स्मार्ट वॉच में जो है नैनो सिम नहीं बैठता है, उसके थोड़े ऊपर के साइज़ का होना चाहिए। तो इसके लिए अभी हम क्या करते हैं नैनो सिम के बदले में जो है वो कवर को जो है इंसर्ट कर देते हैं, जिससे कि हमारा जो है सिम थोड़ा बड़ा साइज़ का हो जाएगा स्मार्ट वॉच में जो बैठता है उसके साइज़ का। तो गाइस जैसे कि आप सभी लोग देख सकते हो कि मैंने यहाँ पर जो है अपनी सिम कार्ड को जो है इंसर्ट कर दिया है और यहाँ पर सबसे पहले अभी हम जो है इसका लॉक लगा देंगे और उसके बाद जो है अभी यहाँ पर आप पुश कर देंगे। तो गाइस यहाँ पर अभी आप लोग देख सकते हो कि मैंने जो है एकदम परफेक्टली जो है जियो सिम को लगा दिया है। तो अभी हम जो है इसके अंदर बैटरी को इंसर्ट कर देंगे। तो बैटरी इंसर्ट करने के बाद जो है बैटरी लूज़ ना हो इसके लिए मैंने कुछ कागज़ यहाँ पर जो है लगा दिए और यहाँ पर अभी हम जो है पावर बटन को दबाए रखेंगे। तो गाइस जैसे कि आप सभी लोग देख सकते हो हमारी स्मार्ट वॉच जो है पावर ऑन हो चुकी है। तो यहाँ पर अभी आप लोग देख सकते हो यहाँ तब तक कोई गड़बड़ नहीं है। तो यहाँ पर अभी आप देख सकते हो सर्चिंग वगैरह कुछ भी नहीं बोल रहा है, सिर्फ इमरजेंसी कॉल जो है यहाँ पर दिखा रहा है। तो गाइस यहाँ पर अभी आप लोग देख सकते हैं मैं यहाँ से आपको जो
यहाँ पर दिखा रहा हूँ, हमारी स्मार्ट वॉच कुछ भी हैंग वगैरह नहीं मार रही है अभी भी। तो गैस यहाँ पर मैं आपको जो है एक कॉल लगा के जो है तो गैस अभी हम चलते हैं सिंपली कॉन्टैक्ट्स में और यहाँ पर जो है मैं अपने दोस्त को जो है कॉल लगा के आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर स्पीकर ऑन भी कर दिया है, तो यहाँ पर अभी आप लोग देख सकते हो गैस जैसे कि यहाँ पर जो है नेटवर्क ही नहीं दिखा रहा है कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पर सिंपली जो है मैं कॉल को कट कर देता हूँ, अभी नेटवर्क ही नहीं बता रहा है। तो अभी हम क्या करें, तो यहाँ पर होम स्क्रीन पर आ जाने के बाद अभी भी जो है इमरजेंसी ही दिखा रहा है। ऐसा इसलिए हो रहा है गाइस क्योंकि जो है हमारी स्मार्ट वॉच जो है 2G होती है और हम जो है इसमें 3G का सिम एक्सेस कर सकते हैं बट इंटरनेट एक्सेस नहीं कर सकते। तो ये जियो 4G की सिम है तो इसको हम कैसे एक्सेस कर सकते हैं। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही, मैं मिलता हूँ आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।